अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है, तबीयत कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक कह रहे हैं। सुनिए आज हम यार अपने कज़न के फार्म हाउस अल कबीर फार्म हाउस पे आ गए। आपको दिखाता हूँ इसके फार्म हाउस की सफाई और कुछ दीगर क्या क्या है क्या क्या नहीं, फिर कमेंट में लाजम शेयर करना, ठीक है। अब चलते हैं फार्म हाउस की तरफ। पीछे आप लोगों ने गेट भी देखा है मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में, अभी तो आस्ते आस्ते बन भी रहा है। ये है हमारा फार्म हाउस। अभी आप लोगों का व्यू दिखाता हूँ कैसा है भाई। ये है वो बैठने की जगह है सारे, ये ग्राउंड है, हरा भरा ग्राउंड है। ये आप लोगों को पिच दिखाता हूँ, तकरीबन 15 फीट का पिच है, 20-22 फीट का पिच है ग्राउंड, आप देख सकते हो माशाल्लाह। साइड में फार्म हाउस हैं, बहुत से सारे फार्म हाउस हैं यहाँ पर। ये हमारा पिच, आप चलते हैं पूल की तरफ। पूल भी माशाल्लाह बहुत सफ़ा सुथरा है, और कहने का मकसद ये है कि पूल थोड़ा बड़ा भी है। हाँ ये याद रखना, ये लाजम याद रखना कि आकर ये वाला चीज़ याद रखना, यहाँ पर अपने पाँव क्या करना है, मतलब कि तर करना। ये हमारा पूल जैसा है, इसका गहरा ये होगा तकरीबन 6 फीट से 7 फीट गहरा होगा। अभी चलते हैं आपको झूलों की तरफ। ये कैसा है आती है एलिफेंट, ये है बच्चों की यार झूले। अब ये हमारा है, यहाँ तो वो क्रीम बोर्ड है, ये क्रीम बोर्ड है, देखते हैं क्रीम बोर्ड को। ये हो गया हमारा क्रीम बोर्ड, ये फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल, आय हाय हाय। अभी चलते हैं फार्म हाउस के अंदर, आपको दिखाता हूँ। ये बच्चों के झूले, यहाँ ये स्लाइड है। तो बस अभी चलते हैं किचन में, किचन कितना साफ सुथरा है आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह क्या है किचन को देखो, कैसा है किचन हमारा जाने मन। ये सारे सामान रखे हुए हैं, अवेलेबल हैं, अपना भी सामान लेके आना, ऐसा नहीं अपना सामान नहीं लेके आओगे। ये देखिए सफाई, ये फार्म हाउस का किसी की तरफ है, एसी भी लगा हुआ है, हर चीज़ माशाल्लाह सेपरेट आपको मिलता है, 24 घंटा बिजली भी मिलता है। तो गाइस अभी चलते हैं फार्म हाउस के अंदर। ये फार्म हाउस के अंदर हम आ गए, ये बैठने की जगह है, आप देख सकते हो हर चीज़ एक्यूरेट आपको मिलेगा। ये कैसा है, ये हमारा एसी, ये एसी वाला रूम है, ये वॉशरूम है, कमोड। अभी चलते हैं दूसरी रूम में, चलते हैं देखते हैं क्या है। वो एक्स्ट्रा रूम है, यहाँ पर सारे बेड मेड भी रखे हुए हैं, मगर उसमें यूज़ भी हम नहीं ले रहे हैं असल में। ये बर्तनों की जगह आप देख सकते हो, और ये भी रूम है, कैसा है कमेंट में लाजम बता देना मुझे। हाँ ओ एसी जाहिर है, इसका वॉशरूम ये है, ये डब्ल्यूसी वाला है, सारी चीज़ मौजूद है, हर लेवल सफाई सुथराई में माशाल्लाह एक्यूरेट है।
ये हमारा जहाँ नमाज है, नमाज आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। लोकेशन कैसा है, लोकेशन व्यू कैसे हैं आपको लग रहे हैं? तो गाइस ये आप देख रहे हो ना, ये देखो दो बंदे भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, मेरे कज़न हैं। ये बैठने की जगह है, बहुत अच्छा जगह है, इसको हम बलोची में कहते हैं बादगीर। बिल्कुल तकरीबन 35 से 38 फीट का होगा बैठने के लिए, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ये ऐसा तेजी की तरह, आप सफाई देखें जान, सफाई देखें, सफाई सुथरा ही देखें। यहाँ पर सिर्फ फैमिली आते हैं, जनरेटर भी अवेलेबल है, सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है। ये देखो हमारा जनरेटर है, सोलर सिस्टम का आपको दिखाता हूँ। ये है एसी का कमरा, ये है सोलर, देखो ये है सोलर। तो गाइस देखना ना बोलना लादम, अगर आप मिलेनियम फार्म हाउस में आओगे तो अल कबीर फार्म हाउस को ना बोलना, ठीक है? अभी हम ये देखो झूला, वो गाना आप लोगों को याद नहीं है झूला, आगे तुम खुद ही बताओ सही है हमको जो है यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। ये है हमारा पार्क, सफाई सुथराई देखे माशाल्लाह कैसा है जान। पसंद नहीं आए तो कमेंटों में लादम मुझे बता देना। अरे